घर-घर बुलेटिन आपके साथ मैं हूं महिमा जय और मैं इस वक्त मौजूद हूं बीलवा की पंचायत ग्राम पंचायत में। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त बनी हुई है शकुंतला बेरवा जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जो यहाँ की सरपंच है। और वहीं मैं आपको बता दूं मैं यहाँ के लोगों से बीच में बातचीत करती हुई आई हूँ और यहाँ के पंचायत के बारे में मुझे बहुत कुछ अच्छा सुनने को मिला है। जैसे कि यहाँ पे विकास जो है लगातार सरपंच द्वारा किया जा रहा है, जनता की लगातार जो परेशानियां है वो इनके द्वारा जो है सुलझाई जा रही है। तो ऐसे में आज मैं श्रीमती शकुंतला बेरवा के साथ हूँ और इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे कि आखिर इन्होंने क्या विकास के कार्य किए हैं और आने वाले समय में ये कौन से कार्य पे जो है फोकस कर रही है। तो इसी के साथ सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बुलेटिन में। और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मैं बीच में आई तब मैंने काफी लोगों से बातचीत की कि यहाँ की सरपंच जो है वो कैसी है, क्या विकास का कार्य हो रहा है। तो काफी लोगों ने जो है आपकी तारीफ की और मुझे सुनने को मिला कि नहीं, यहाँ की जो सरपंच है वो काफी लोगों के बीच रहती है, एक जनप्रतिनिधि की तरह ही जो है सहयोग हमारा बना रहता है। तो ऐसे में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आखिर आपने कौन से ऐसे कार्य किए हैं जिससे जनता के में आपकी छवि जो है इस तरह से बरकरार है। मैम हम तो मिलजुल के रहते हैं, सबका काम करते हैं, और जो छोटा है बड़ा है सबको बराबर समझते हैं जी। और सबका काम, कोरोना में सबकी सहायता करी है, ऐसा नहीं समझा भाई उसकी बीमारी तो उसके पास नहीं गई, सबके पास गए थे जी। जी जी। और जो मेन मुद्दा इस वक्त है हर रूरल डेवलपमेंट, हर रूरल एरियाज में हम गए तो वहाँ पे तीन ही चीजें जो है बेसिक देखी जाती है, पानी, बिजली और सड़क। तो ये तीन चीजें पे आपका क्या काम है, आपने अभी तक क्या काम किया है, तो एक बार हमारी जनता को आप जरूर बताएं। सर बिजली के लिए तो लाइट की व्यवस्था कर रहे हैं हम जी जी जी। और सड़कों का निर्माण मीणो के मोहल्ले में कामधनु कॉलोनी शिव शक्ति कॉलोनी में जिन में करवा दिया जी। और पानी की व्यवस्था के लिए हो ही रहा है जी जी जी। तो पानी की व्यवस्था के लिए जो अभी यहाँ पे वो जो बिल पास, वो जो पास हुई है कि विसलपुर की टंकी का जो पानी है अभी वो यहाँ पे आएगा, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपके MLA की और आप लोग कैसे अपनी बात वहाँ तक रख रहे हैं। हमने कह दिया था MLA साहब से जी, उन्होंने रिक्वेस्ट कह दिया कि हाँ हमने पूरी पूरी सहायता करेंगे जी और हमारी तरफ से पूरी तरह से जी। और वहीं अभी दिवाली भी आ रही है तो इस मौके पर आप अपनी देशवासियों को और जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे। देशवासियों को ये कहेंगे भाई साफ सफाई का ध्यान रखो, कोरोना भी है गया नहीं है, और अपने मास्क, दो गज की दूरी रखो, मास्क लगा के रखो, और साफ सफाई का ध्यान रखो, और साफ सफाई हम करवा ही रहे हैं जी जी। वहीं हमें एक शिकायत जो है हर पंचायत में देखने को मिली कि स्वच्छता जो है नगर निगम द्वारा नहीं की जा रही है, हर जगह यही शिकायत हमें सुनने को मिली। तो क्या यहाँ पे भी वही परेशानी है जो इस वक्त जनता को महसूस हो रही है। मैम नगर निगम की कोई व्यवस्था नहीं है जी जी। हमने सैनिटाइजर के लिए बुलाया था, जब भी वहाँ से कोई नहीं आया जी। और यहाँ पर कचरा है जी, कचरे के लिए कहते हैं लेकिन वो ऐसे कहते हैं नगर निगम नहीं होता यहाँ पर जी, ये ग्रामीण एरिया है इसलिए। और वही आगे कोई सुविधा नहीं जी। और वही मेरा ये सवाल है कि आखिर आपका प्रशासन जो है, जो गहलोत सरकार है, वो कितनी आपकी सुनती है जो आप कार्य करवाना चाहते हैं, क्या वाकई वो धरातल पर हो रहे हैं इस वक्त। ना हो रहे, सब काम हो रहे जैसे कहते हैं वैसे काम हो रहे हैं सारे जी जी। तो देखिए वही मैं शकुंतला देवी जी के साथ आज मौजूद थी, उन्होंने बताया कि यहाँ की भी ग्राम पंचायत की सिर्फ एक ही समस्या है, वो है स्वच्छता को लेकर। और नगर निगम की शिकायतें हमें लगातार हर इंटरव्यू में आप देख सकते हैं मेरे साथ कि कैसे हर ग्राम पंचायत की सरपंच जो है लगातार यही कह रही है कि जो है स्वच्छता जो है हमें कहीं देखने को नहीं मिल रही है। और ऐसे में इन्होंने काफी सराहनीय पहल जो की है अपने जनता के लिए। यहाँ पे हमने देखा कि कैसे जो जनता है वो इनकी तारीफ के तारीफ कर रही थी, हमने आते वक्त देखा कि कैसे लोगों के रिव्यूज हमें देखने को मिले कि यहाँ पे जो विकास है वो लगातार हो रहा है, जो शकुंतला बेरवा जी है जो यहाँ की सरपंच है वो लोगों की सुन रही है और कार्यरत है हर जगह। कोरोना में भी इन्होंने जो है लोगों की मदद की, लोगों को खाना खिलाया, जरूरतमंद लोगों की हर तरीके से जो है इन्होंने मदद की है। तो वहीं एकमात्र समस्या जो है इस वक्त हर ग्राम पंचायत की केवल स्वच्छता बनी हुई है। तो इसी रिपोर्ट के साथ हम आगे मिलेंगे अगले इंटरव्यू के साथ कि क्या यही समस्या जो है हर ग्राम पंचायत में कंटिन्यू देखने को मिलती है। और वहीं इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे जो है उप सरपंच भी मौजूद है, तो उनसे हम जानेंगे कि आखिर अगले समय में इनके कौन से ऐसे कार्य हैं जो आने वाले समय में ये लोग करने वाले हैं जी। बताए सर, काम तो हमने बीलवा पंचायत में बहुत करवाया, जैसे नानकपुरा में शमशान घाट का नरेगा से, बैराजपुरा में शिव शक्ति में रोड, कामधेनु में रोड, इधर राधा माधव में जी जी। और आने वाले समय में कराते रहेंगे जी, बिल्कुल। और लोगों की जैसे जिनको गेहूं नहीं मिले उनको गेहूं के लिए सहायता की है, और समस्या है सभी सुन रहे जी। और वही जो प्रशासन है वो भी आपकी लगातार सुन रहा है, सुंदर प्रशासन का जब के पास जाते हैं वो भी हमारे सुन रहे हैं, और जैसे पानी की समस्या बिशनपुर की लाइन वो भी जल्दी से जल्दी चालू करवाने की सोच जी। तो देखिए ऐसे कि यहाँ के उप सरपंच ने भी बताया, जो यहाँ के विधायक है गंगा देवी, वो लगातार
सभी कामों के लिए अपने सरपंचों की सुन रही है और कार्य करवा रही है। और ऐसा ही मैंने यहाँ के गांवों में भी देखा कि काफी विकास जो है इस वक्त हो चुका है। तीन समस्याएं जो प्रमुख समस्याएं होती है, सड़क, बिजली और पानी, इन तीनों की समस्याओं पर लगातार जो है हर सरपंच के द्वारा काम किया जा रहा है और काफी सराहनीय पहल है जो की जा रही है। और इसी के साथ मेरे साथ मौजूद है रिपोर्टर राहुल शर्मा।